वर्ल्ड कप विन होने के लिए कुछ तो बोलो। अम्मा के बारे में हिंदी में बोलो। अच्छा लग रहा है बहुत वर्ल्ड कप जीत के आने के बाद इधर, और बहुत शांति शांति लग रहा है अंदर एकदम एंटर करने के बाद। जैसा देविशा ने बोला, जब भी अम्मा और अम्मा का सिस्टर का स्थापना होएगा फरवरी मार्च के टाइम में, और टूर नहीं रहेगा और हम लोग रहेंगे, तो हम लोग इधर ज़रूर आएंगे। वो सेलिब्रेशन कैसा था बॉम्बे में, क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा था, इतने सारे लोग को देख के बहुत अच्छा लगा उधर, और इधर भी बहुत लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। ये प्यार याद रहेगा हमेशा। इधर आके ऐसा लगा नहीं था कापू में कि इतने सारे लोग आएंगे, बट अच्छा लग रहा है बहुत, और वापस मिलेंगे जल्दी। शुरू में थोड़ी बहुत आप ही बोल सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ मैं। कापुदम्मा बोलो। कापुदम्मा। प्रार्थना के टाइम में वार्षिक बोला आप कैप्टन बनाना है यार। वो तो देखो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में अच्छा खेलना और अच्छा करना टीम के लिए। अगर वो लिखा रहेगा, अगर वो सोचा रहेगा भगवान ने, तो वो भी हो जाएगा। ऐसा होएगा तो कापुदम्मा का आशीर्वाद। आशीर्वाद। आप तो अभी तक जो सुब्रमण्य और बड़ा बड़ा टेम्पल का गए, अभी कापू के लिए आया, कैसे लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उतरने के बाद जब भी टेम्पल में एंटर किए, वही जैसे मैंने बोला, बहुत शांति लगा एकदम, माइंड एकदम काम हो गया एकदम। और नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने बोला, जब भी होगा स्थापना, तब हम लोग आएंगे साथ में वापस। आया था, आया था, पहले आया था, थोड़ा टाइम हो गया आके, चार पाँच साल। पाँच साल। अंकल को मालूम है, 5 years पहले आए थे, और अभी 5 years के बाद आए, बहुत अच्छा लगा। पहले आया था, ऐसे आया था, अभी अम्मा बुलाया, काबोद अम्मा ने बुलाया। आप सेलिब्रिटी बना के आए कैसे? नहीं नहीं, एकदम नॉर्मल आदमी जैसा आया हूँ मैं। देविशा ने बोला कि जाएंगे थोड़ा, क्योंकि अभी बॉम्बे में और हम लोग जहाँ से आए वहाँ से देखा कि कितने लोग आए थे, तो सोचा कि इधर आएंगे गाँव में, और मंदिर भी आना था, तो सेलिब्रिटी जैसा बिल्कुल भी नहीं आया वो। और सेलिब्रिटी ऐसा है मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप वापस नॉर्मल लाइफ आपको जीना है बहुत लंबे टाइम तक। ये आपका लाइफ नहीं है, लाइफ का पार्ट है कुछ भी आप करते हो लाइफ में, तो बस यही सोचता हूँ मैं, और ऐसे ही चलता हूँ लाइफ। आपका एनिवर्सरी कैसा था सेलिब्रेशन? बहुत अच्छा था, इतना केक लाइफ में कभी काटा नहीं मैंने। इतना केक कभी खाया नहीं, और स्पेशल इसलिए क्योंकि वो जो कैच पकड़ा था उसको 8 दिन हो गया, एनिवर्सरी को भी 8 दिन हो गया था। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल था। यहाँ का लड़की को आपने कैसा लव लव मैरिज था? अब ये वाला स्टोरी है, दबा दो इधर ही। एक कैच को बहुत ये किया है, वो टच किया है, सिक्स लाइन, ये पूरा कंट्रोवर्सी भी हो गया। सोशल मीडिया में पता नहीं, मैंने तो टच नहीं किया लाइव पे सब जगह। अभी ऐसा कैसे है कि पूरा इतना लोग को कुछ नहीं कर सकते सब लोग को, तो मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा वो मोमेंट पे वो मैंने किया, और भगवान के दुआ से मैं वो टाइम पे वहाँ पे था, मुझे वो चांस मिला कैच पकड़ने का, और अच्छा लग रहा है। वो वीडियो पाकिस्तान से है, वो चर्चा आ रहा है। अरे विदाउट च्युइंग गम वी कांट इमेजिन सूर्य कुमार मोदी। वो मुझे अच्छा लगता है, वो जब भी मैं जाता हूँ बैटिंग करने के लिए और वो सिचुएशन में रहता हूँ, क्योंकि मैं मजे करके खेलने को मुझे अच्छा लगता है, एंजॉय करके जितना भी मैं अंदर बैटिंग करता हूँ, तो वो उसका ही एक पार्ट है। कितना छोटा सा किन्नीर दी एट्ला क्रिकेट गोबर अगल उंजी ड्रीम इंडिया रिप्रेजेंट मलपोड़ इंडिया गोल्ड कप गिंदोड अगले तिखद ಐಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತೂದ ಅಗಲೆ ಅಗಲೆ ಅಗಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡಿಂದ ನನ್ನ ಎದುರ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ವೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ವೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೆ ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೆ ಇತ್ನಾ ಮೈಂಡ್ ಥೋಡಾ ಕಾಮ್ ಥಾ ಔರ್ वही दुआ है भगवान का, वो टाइम पे मौका दिया कुछ अच्छा इंडिया के लिए करने का, और अच्छा लग रहा है बहुत। क्या
उस टाइम जय श्री राम बोला क्या बोलो प्रधान के बस बॉल पकड़ लिया मैंने उस टाइम में, क्योंकि इतने लोगों का ड्रीम था और हमारा भी ड्रीम था कि इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है और जिताना है, बस वो मोमेंट में और कुछ भी ध्यान में नहीं आया ज्यादा। नेक्स्ट कापुदम्मा कापुदम्मा ऐसा बोल नेक्स्ट चलो आगे ले पूजा। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್।